करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के। एन ऑल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू 50 साइन ऑफ 100 पाई टी। फाइंड फ्रीक्वेंसी मीन करंट ओवर हाफ साइकिल वर्चुअल करंट एंड करंट एट टी इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड। तो हमने आई की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 50 साइन ऑफ 100 पाई टी, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है आई का वो पढ़ा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेटा ओमेगा कितना हो गया, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 100 पाई। ओमेगा होता है 2 पाई एन, तो 2 पाई एन इज इक्वल टू 100 पाई, तो एन इज इक्वल टू 50। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स है। अब एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, बड़ा सिंपल है, एवरेज वैल्यू होती है 2I0/π हाफ साइकिल के लिए। अगर हम इससे कंपेयर करें तो पीक वैल्यू जो हुई वो हुई 50, तो एवरेज वैल्यू हो गई 2×50/π, यानी कि 100/π। तो ये आ गई हमारी एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। फिर हमें निकालना है वर्चुअल करंट। ध्यान रखें वर्चुअल करंट एंड आरएमएस करंट आर सेम। वर्चुअल करंट आरएमएस करंट सेम होता है, और आरएमएस करंट का फॉर्मूला होता है I0/√2। I0 50 है, डिवाइड बाई रूट टू, तो 50/√2 ये आरएमएस करंट हो गया। अब हमें निकालना है करंट की वैल्यू टी इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड पे। तो आई इज इक्वल टू 50 साइन ऑफ 100π टाइम, टाइम की वैल्यू 300 रख दी, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो आई इज इक्वल टू 50 साइन π/3। तो आई इज इक्वल टू 50 साइन 60 हो गया √3/2। ये आ गया आपका 25√3। तो इस तरीके से हम करंट की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस इज मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। राइट डाउन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे लिखते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वोल्टेज की वैल्यू होती है, और ओमेगा जो होता है वो होता है 2πn। तो ओमेगा हो गया 2π×50, ओमेगा हो गया 100π। एक बात आपको ध्यान रखनी है
जो वैल्यू हमें बता रखी होती है, अगर वो ये नहीं बताए कौन सी वैल्यू है तो आरएमएस वैल्यू होती है। तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू जो है वो है 220। और हमने पढ़ा है ई आरएमएस होता है ई नॉट अपॉन रूट टू, यानी 220 इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू। तो ई नॉट की वैल्यू आ रही है 220 रूट टू। तो हमसे इसे आरएमएस वैल्यू मिल गई। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 220 रूट टू साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा 100 पाई है, 100 पाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम पर हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। द करेंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 3.5 साइन ऑफ 628 t प्लस 30 डिग्री एंड V इज इक्वल टू 28 साइन ऑफ 628 t माइनस 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है? डिटरमिन पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टाइम पीरियड ऑफ करंट, फोर्थ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वोल्टेज एंड करंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आई की वैल्यू दे रखी है 3.5 साइन ऑफ 628 t प्लस 30 डिग्री। हमने पढ़ा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ, जनरल फॉर्मूला लिखे तो ओमेगा टी प्लस फाई, फाई होता है फेज डिफरेंस। ये भी एक फॉर्मूला होता है। देखो वैसे तो फॉर्मूला था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन ये होता है केवल रेजिस्टेंस के लिए। किसी जनरल सर्किट के लिए हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो पीक वैल्यू आ गई 3.5। पीक वैल्यू कितनी आ गई? 3.5। आई आर एम एस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है आई नॉट बाई रूट टू, यानी कि 3.5 अपॉन रूट टू। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.47 एम्पीयर। तो पहला पार्ट हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट, दूसरा पार्ट हो गया आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 1/फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा जो दिया है वो दिया है 628। कैसे? हमारा यहाँ पर है ओमेगा टी, यहाँ पर है 628 t, तो ओमेगा हो गया 628। तो 2 3.14 × n इज इक्वल टू 628। तो 6.28 n इज इक्वल टू 628। तो n की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 100। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पड़ा है 1/n, तो 1/100 इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो टाइम पीरियड भी आ गया, टाइम पीरियड आ गई, आरएमएस वैल्यू आ गई, पीक वैल्यू आ गई। अब पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज है 28 साइन ऑफ 628 t माइनस 30 डिग्री, और करंट की जो वैल्यू है वो है 3.5 साइन ऑफ 628 t माइन प्लस 30 डिग्री।
फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज पूछ रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो वोल्टेज का फेज ये है, करंट का फेज ये है, तो 628 t -30 डिग्री माइनस ऑफ 628 t +30 डिग्री। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो वोल्टेज का फेज लिखा, करंट का फेज लिखा, ये अंदर वाला टर्म फेज होता है, वोल्टेज का फेज लिखा, करंट का फेज लिखा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो कितना आ गया -60 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं करंट लैग वोल्टेज बाय 60 डिग्री, नेगेटिव आया ना, तो करंट वोल्टेज से 60 डिग्री आगे चल रहा है। देखो कैसे पता लग रहा है, करंट सॉरी लीड, लैग नहीं लीड, करंट का फेज ज़्यादा है, वोल्टेज का फेज कम है, तो करंट वोल्टेज से 60 डिग्री आगे चल रहा है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्योर इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट 70 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को कहते हैं एक्सएल, और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ओमेगा होता है 2 पाई f या 2 पाई m, तो 2 पाई f की वैल्यू 70 और l की वैल्यू 1, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 140 पाई, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हो गई 140 पाई। अब पूछा है करंट, जब आपको करंट पूछा हो ये नहीं बताया हो कौन सा करंट है, तो वो RMS करंट होता है, तो RMS करंट होगा RMS वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर होता है एक्सएल, ध्यान रखें रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सएल होता है, और बोलते इंडक्टिव रिएक्टेंस हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, तो करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका, इंडक्टर का, इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर नहीं बता रहा कौन सा वोल्टेज है, तो वो RMS होता है, तो RMS वोल्टेज हो गया 110 डिवाइड बाई एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू 140 पाई। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 0.25 एम्पियर। अब पूछा है पीक करंट, तो I RMS करंट होता है, पीक करंट अपॉन √2, तो पीक करंट हो गया I RMS √2, तो I नॉट आ जाएगा 0.25 √2, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.35 एम्पियर। और क्वेश्चन देखते हैं। आ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू आ 220 वोल्ट 50 हर्ट्स AC सोर्स, कैलकुलेट द रिएक्टेंस
ऑफ कैपेसिटर करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट एंड मेंशन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो बड़ा सिंपल है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रो फेरेड दे रखी है एंड इज आस्किंग रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है 1/2 πfC। तो हमने 2 πf की वैल्यू 150 और कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रो फेरेड, माइक्रो फेरेड होता है 10 की पावर -6, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 अपॉन 200 π। 10 की पावर -6 अपॉन 200 π, तो ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी 1592.3 ओम। ध्यान रखें ये एक तरह से रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, और क्योंकि ये एक तरह से रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का तो इसकी वैल्यू ओम में आएगी। अब पूछा है करंट फ्लोइंग, करंट अगर पूछे तो वो आरएमएस करंट होता है, और आरएमएस करंट होता है आरएमएस आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है VRMS/XC। कैसे बना ये फॉर्मूला? करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ध्यान रखिए कैपेसिटर है और आपने कुछ वोल्टेज लगा दिए एसी, तो कैपेसिटर के लिए करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैपेसिटर का एक्सी लेते हैं, तो VRMS आपको दे रखा है 220 वोल्ट। मैंने बताया है कि अगर वोल्टेज नहीं बताया जाए कौन सा होता है तो RMS होता है, तो 220/XC, XC आ गया 1592.3। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.138 एम्पीयर। अब पूछा है फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो हमें मालूम है इन कैपेसिटर करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय 2।